नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों हमारे ईपीएफ मेंबर्स को एक प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है कि जब वो अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिमार्क्स में ये लिखा होता है कि आपका जो क्लेम है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा एरर, ऐसा रिजेक्शन रीजन आपको क्यों आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको ना आए तो आपको पीएफ अप्लाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ के साथ मैं आपको इस वीडियो के एंड में इसका 101% सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, क्योंकि मैं हर बार ये ट्राई करता हूं कि आपको जो भी मैं बता रहा हूं वो साथ के साथ मैं आपको दिखाता रहूं, ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ आ सके। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं, और सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक नंबर 1 दिखाऊंगा जो कि हमारे कई ईपीएफ मेंबर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जब वो अपने पीएफ को अप्लाई करते हैं तो उनका जो क्लेम है रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बोल के कि आपका जो क्लेम है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। तो दोस्तों अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन किया हुआ है और इसमें एक यूएन नंबर के जरिए लॉग इन भी किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस यूएन नंबर की सर्विस हिस्ट्री चेक करा देता हूं। तो कभी भी आप किसी भी यूएन नंबर की सर्विस हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आपको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक व्यू का टैब मिलेगा, और जैसे ही आप व्यू के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको सेकंड नंबर पे सर्विस हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने आपकी सर्विस हिस्ट्री जो है वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस यूएन नंबर की सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर आईडी नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस ईपीएफ मेंबर ने सिर्फ एक ही कंपनी में जॉब की है। तो दोस्तों अगर आप इस मेंबर आईडी की सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे तो इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो यहाँ पे मेंशन है वो है 1/7/2010, और डेट ऑफ एग्जिट जो यहाँ पे मेंशन है वो है 31/1/2022, यानी कि इनकी सर्विस अब यहाँ पे ओवर हो चुकी है। लेकिन जब भी अपने पीएफ को अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बोल के कि आपका जो क्लेम है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनका क्लेम स्टेटस चेक करा देता हूं। तो कभी भी आप अपने क्लेम स्टेटस को डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ईपीएफ का पासू वाला पोर्टल यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ईपीएफ के पासू वाले पोर्टल पर जाके मैं सेम यूएन नंबर के साथ उसमें लॉग इन कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको इस यूएन नंबर का क्लेम स्टेटस चेक कराता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अब यहाँ पे ईपीएफ के पासवर्ड वाले पोर्टल पे आ चुका हूँ और इसमें मैंने सेम यूएन नंबर के साथ लॉगिन भी कर लिया है। तो दोस्तों कभी भी आप क्लेम स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस मेंबर आईडी का आप क्लेम स्टेटस चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट मेंबर आईडी का, यहाँ पे आप अपनी मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने नीचे तीन ऑप्शंस नजर आने लग जाएंगे, जिसमें से सेंटर में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा व्यू क्लेम स्टेटस का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने उस मेंबर आईडी की पूरी क्लेम हिस्ट्री यहां पे ओपन हो जाएगी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 26 जून 2022 को एक क्लेम किया गया था, फॉर्म नंबर 19 फिल किया गया था, जिसका क्लेम स्टेटस यहां पे रिजेक्टेड है और यहां पे रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड है। इससे पहले एक और क्लेम किया गया था 20 जून 2022 को, फॉर्म नंबर 31 फिल किया गया था, जो कि एडवांस पीएफ विड्रॉ के लिए होता है, तो इसका क्लेम स्टेटस भी यहां पे रिजेक्टेड शो कर रहा है और यहां रिमार्क्स में लिखा हुआ है क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम इनको क्यों आ रही है। तो दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पे दो क्लेम हिस्ट्री और नजर आएगी। दोनों क्लेम 9 मार्च 2018 को ही किया गया था, फॉर्म नंबर 19 और 10C फिल किया गया था। फॉर्म नंबर 19 एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के टोटल अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए फिल किया जाता है, 10C पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए किया जाता है, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म नंबर 19 और 10C फिल किया जाता है। दोनों क्लेम स्टेटस को अगर आप देखेंगे तो यहां पे सेटल्ड है, और रिमार्क्स में यह भी लिखा हुआ है कि 13 मार्च 2018 को एनईएफटी के द्वारा आपकी जो पेमेंट है वो सेट कर दी गई है। तो दोस्तों इनका जो क्लेम है वो सेटल अब दोबारा से इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि 9 मार्च 2018 को इनका जो पीएफ है वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है फुल एंड फाइनल। तो दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जॉब पे रहते हुए इन्होंने अपना जो पीएफ है फुल एंड फाइनल विड्रॉ कैसे कर लिया। तो दोस्तों इनसे मेरी बात हुई है, इन्होंने बताया कि इन्होंने एचआर से कॉन्टेक्ट किया, जिसमें से उन्होंने बोला कि मैं अपना जो पीएफ है वो फुल एंड फाइनल विड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो एचआर ने इनको गाइड किया कि अगर आप फुल एंड फाइनल विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो स्टॉप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये एग्री हो गए और एचआर भी एग्री हो गया, जिसकी वजह से इनका जो
कंट्रीब्यूशन है वो रोक दिया गया, और अगर किसी भी पीएफ अकाउंट में दो महीने तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो उस पीएफ अकाउंट से आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया, तो ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इसके बाद फिर से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हो गया था और उसके बाद भी बहुत बड़ा अमाउंट इनके पीएफ अकाउंट में ऐड हुआ है जो कि ये विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी मिस्टेक बताता हूं जो कि हमारे ईपीए मेंबर्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनको सेम यही वाली प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है जिससे आप अपने पीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो सेकंड नंबर की जो मिस्टेक है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको मिस्टेक नंबर 2 दिखाता हूं जो कि हमारे कुछ ईपीएफ मेंबर्स कर देते हैं जिनकी वजह से उनका क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और रीजन में ये बताया जाता है कि आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड है। तो दोस्तों अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने एक अलग यूएन नंबर के साथ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉग इन करके यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री ओपन करी हुई है। अगर आप यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे 3 मेंबर आईडी आपको नजर आ रही होगी। तो इनकी जो मेंबर आईडी है यहाँ पे 3 है और इनको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि जब ये अपने पीएफ को अप्लाई कर रहे हैं तो इनका जो क्लेम है रिजेक्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे मिस्टेक क्या हुई है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे 3 मेंबर आईडी है। तो दोस्तों हर बार मैं आपको कहता हूं कि कभी भी आप अपने फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं और आपके यूएन नंबर में मल्टीपल मेंबर आईडी नजर आ रही है, यानी कि मल्टीपल कंपनी में आपने जॉब किया है, तो सबसे पहला जो काम होता है आपका ये होता है कि पुरानी जितनी भी कंपनी है उसका सारा पीएफ का जो अमाउंट है सबसे पहले आप अपने करंट वाले में ट्रांसफर कर ले, क्योंकि कभी भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप अपने करंट वाले पीएफ अकाउंट से ही अप्लाई करते हैं, प्रीवियस वाले से नहीं करते हैं। फुल एंड फाइनल की बात कर रहा हूं, अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो आप प्रीवियस वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल कभी भी आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आप करंट वाले से ही कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिछली जितनी भी कंपनी है उसका पीएफ का जो अमाउंट है सबसे पहले आप ट्रांसफर कर ले। अब इन्होंने गलती क्या करी है इसको समझाने के लिए मैं आपको इनकी पासबुक दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने इस ईपीएफ मेंबर की जो पासबुक है वो यहाँ पे ओपन कर ली है। अब अगर आप इस पासबुक में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 6/10/2021 को एक क्लेम किया गया है जो कि पारा 69(2) के तहत किया गया है जो कि फॉर्म नंबर 19 के लिए होता है। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्म नंबर 19 फिल किया था 6/10/2021 को, इनका जो क्लेम है वो सेटल हो गया है और इनके अकाउंट में 1,077 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। लेकिन इन्होंने गलती क्या करी कि सबसे पहले इन्होंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 15/11/2021 को इनके इसी पीएफ अकाउंट में पुराने जितने भी पीएफ अकाउंट का बैलेंस था वो ट्रांसफर हुआ है। यहां पर आप सिंपली देख सकते हैं यहां पर ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए इनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब जब ये अपने पीएफ को विड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फाइनल सेटलमेंट कर लिया था उस टाइम जितना भी बैलेंस था वो इनका विड्रॉ हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से जो अमाउंट यहां पे ट्रांसफर हुआ है वो इनका विड्रॉ नहीं हो रहा है, जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है ऑलरेडी सेटल्ड बोल के। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो कभी भी आप ये मिस्टेक ना करें कि अगर आपके पास मल्टीपल पीएफ अकाउंट है तो सबसे पहले फुल एंड फाइनल विड्रॉ करने से आप सबसे पहले क्या करें कि पुराने जितने भी पीएफ अकाउंट है उसका सारा बैलेंस सबसे पहले ट्रांसफर कर ले, और ट्रांसफर करने के साथ आप फुल एंड फाइनल अप्लाई ना करें, सबसे पहले आप अपने पासबुक में जाए और यहाँ पे चेक कर ले कि आपका जो ट्रांसफर है वो सच में हो चुका है और आपके करंट वाले पासबुक में वो ऐड हो चुका है या नहीं। अगर आपका पुराना और करंट दोनों टोटल बैलेंस आपको यहां पे शो कर रहा है तो ही आप फुल एंड फाइनल के लिए अप्लाई करें। चलिए दोस्तों, तो यहां तक हमने बात करी प्रॉब्लम्स के बारे में और यह भी बात करी कि अगर आप आगे इस तरह के प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कि जब भी आप अपने पीएफ को अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी सेटल्ड बता रहा है, तो अगर आप अपने पीएफ से फुल एंड फाइनल विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पीएफ को ऑफलाइन अप्लाई करें, और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ईपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे जहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको दो तरह के फॉर्म नजर आएंगे, कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और सेकंड फॉर्म नजर आएगा कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार। इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस यह है कि अगर आप आधार वाला कंपोजिट क्लेम फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें आपको अपने एम्प्लॉयर के साइन और स्टैंप की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर
आप नॉन आधार वाला फील करते हैं तो आपको अपने फॉर्म पे अपने एम्प्लॉयर के साइन एंड स्टैंप करवाने पड़ेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन अच्छा है तो आप यहाँ पे नॉन आधार वाला भी यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप फॉर्म को फिल करेंगे और इस फॉर्म के साथ आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक या पासबुक, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा देंगे। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, यानी कि एक आप एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में आप बताएंगे कि आप दोबारा से फुल एंड फाइनल विड्रॉ क्यों कर रहे हैं। अगर आपका जो पीएफ है वो बाद में ट्रांसफर हुआ है तो आप उस चीज को मेंशन करेंगे। या इसके अलावा अगर आपने बीच में कभी अप्लाई कर दिया था फुल एंड फाइनल और विड्रॉ कर लिया है, फिर से उसी पीएफ अकाउंट में जमा हो गया है, तो आप वो वहां पे मेंशन कर देंगे। अपने तरीके से जो भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, उस एप्लीकेशन को लगा देंगे। उसके बाद आप ऑफलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपका जो क्लेम है वो 101% सेटल्ड कर दिया जाएगा और आपके पीएफ अकाउंट में जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।